वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आने वाले सामने बेल आइकन पर दोबारा से क्लिक कीजिए। इसके बाद सबसे ऊपर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा हो कि आपके जो मोबाइल फोन है उसके अंदर सिम लगे ही ना, या सिम आपको लगाने की जरूरत ही ना पड़े, आप जिस नेटवर्क को चाहे उसको यूज करें बिना सिम के ही, तो ये क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा कि बहुत सारी जो इंडियन कंपनियां हैं वो ऑलरेडी ई सिम स्टार्ट कर चुकी हैं और बहुत सारे जो फोन आ रहे हैं उसमें ये सिम, इस तरह की सिम की सुविधा है, यानी कोई सिम ही नहीं है। तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। देखिए मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले देखने को। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, आपको तो याद होगा कि पहले सिम बड़ी आती थी, फिर उसके बाद थोड़ी सी छोटी हुई, फिर उसके बाद नैनो सिम आ गई और ये सिलसिला चल निकला। यानी आने वाले दिनों में और भी इस चीज से काफी आगे निकलने की कोशिश करेंगे सिम वाले। दोस्तों, आपको याद है पहले सिम इतनी बड़ी आती थी, फिर उसको काट के छोटा किया गया, उसके बाद और छोटा किया गया, लेकिन अब उससे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि सिम के पीछे जो कंडेंसर लगा होता है, जो सर्किट लगा होता है, उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। हाँ, सर्किट को छोटा बनाया जा सकता है और सिम को और ज़्यादा छोटा किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जल्द ही आपके पास ई सिम आ जाएगा सभी मोबाइलों में। अभी कुछ मोबाइलों में ई सिम की सुविधा है, कुछ मोबाइल नेटवर्क कंपनियां ई सिम की सुविधा दे रही हैं। वो कौन कौन सी है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे चल के आपको बताऊँ कौन कौन से फोन हैं और कौन कौन सी कंपनियां इस तरह की सुविधा दे चुकी हैं। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं ई सिम क्या है। दोस्तों, अभी तक हम जो सिम इस्तेमाल करते थे वो फिजिकल सिम होती थी, यानी इसको हम छू सकते थे, देख सकते थे और अपने पर्स में रख सकते थे। तो अभी तक हम जब कई फोन के कई सिम इस्तेमाल करते हैं तो उसको कुछ अपनी पर्स में रख लेते हैं, कुछ को मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा देते हैं। अब मोबाइल फ़ोन ड्यूल सिम है, यानी दो सिम यूज हो जाती है और बाकी एक दो अगर एक्स्ट्रा हमारे पास सिम है तो उसको हम रख लेते हैं। लेकिन कैसा हो कि ये सिम हमको रखनी ना पड़े, दो सिम हमें कैरी ना करनी पड़े, कहीं ले जानी ना पड़े, क्योंकि ये खो भी जाती हैं और कभी कभी अगर मोबाइल फ़ोन चोरी होता है तो उसके साथ भी ये चली जाती हैं, तो इस तरह से सिम नहीं मिलती या दोबारा से अप्लाई करनी पड़ती है। तो कैसा हो कि ऐसा मोबाइल हो जिसके अंदर सिम ही ना लगे, केवल आपका जो मोबाइल नेटवर्क कंपनियां हैं उनसे नेटवर्क कनेक्टेड हो जाए, आप वो कोई प्लान ले लें और वहां से वो आपके मोबाइल के अंदर वो वर्चुअल नंबर आ जाए, आपका फ़ोन नंबर आ जाए और वो सिम की जगह सारी चीज़ें आपको मोबाइल के अंदर मिले, तो इसको कहते हैं ई सिम। तो ई सिम क्या है? वर्चुअल सिम है, यानी आपको दिखाई नहीं देती। आपको क्या करना है कि अभी काफ़ी सारे मोबाइल ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर, मान लीजिए सिम आपने देखा होगा, सिम के पीछे इतना बड़ा सर्किट लगा रहता है छोटा सा, ठीक है, छोटा सर्किट रहता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो फीड रहता है और कुछ जो आप नंबर सेव करके रखते हैं सिम के अंदर वो फिट रहता है। तो वैसी ही जो चिप है, जो सिम की चिप है, वो ऑलरेडी मोबाइल कंपनियां मोबाइल के अंदर ही लगा रही हैं, लेकिन वो किसी एक कंपनी की नहीं है, वो ऐसी चिप है जो किसी भी कंपनी के नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाएगी, जिसका आप प्लान लेंगे, जिसका आप डेटा यूज करेंगे पैसे खर्च करके, उस कंपनी से वो कनेक्टेड हो जाएगी। कुछ इस तरह की कहानी है ई सिम, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिम। आपको फिजिकल रखने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, लेके मोबाइल फोन के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि जो आपके मोबाइल फोन के अंदर स्पेस लगता है, सिम ट्रे लगती है लगाने के लिए, टेक्नोलॉजी लगाते हैं लगाने के लिए सिम ट्रे लगती है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और कुछ स्पेस भी बढ़ जाएगा और आपका मोबाइल और भी हल्का हो जाएगा। तो इस तरह की जो डिवाइस है, इस तरह की जो चिप है, वो ऑलरेडी फोन के अंदर लगी हुई आ रही है। अभी जो इंडिया के अंदर, मतलब वर्ल्ड के कई हिस्सों में तो ये ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे नेटवर्क चल रहे हैं दबा के, लेकिन इंडिया में भी आ चुका है। अभी कौन से फ़ोन में है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एप्पल के जितने भी फ़ोन आए हैं अभी 6-7 महीने के अंदर जितने भी फ़ोन लॉन्च हुए हैं सभी में ई सिम की सुविधा है। ई सिम के साथ साथ आप ड्यूल सिम
फिजिकल वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही सुविधा है कि फिजिकल वाली इस्तेमाल करनी है फिजिकल वाली करो, ड्यूल अगर ई सिम इस्तेमाल करनी है तो ई सिम इस्तेमाल हो जाएगी। अब ये कंपनियां जो नेटवर्क कंपनियां हैं क्या वो ई सिम की सुविधा दे रही हैं इंडिया में? तो मैं आपको बता दूं, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, ये सारी ही कंपनियां ई सिम की सुविधा दे रही हैं। बस आपकी डिवाइस ई सिम सपोर्ट होनी चाहिए और आपके डिवाइस में ये सुविधा होनी चाहिए। तो एप्पल के ये फोनों में ये सारी सुविधाएं हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको बता दूं क्या करना, क्या दोस्तों आपको सारी प्रोसेस वही करनी है जो आप एक सिम लेने में करते हैं। आपको अप्लाई करना है सिम के लिए, सारी चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन आपको सिम नहीं मिलेगी, आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, एक क्यूआर स्कैन कोड यानी क्यूआर स्कैन कोड मिलेगा जिससे आप अपने फोन, जिस फोन में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें स्कैन कराकर आईडी पासवर्ड डालकर अपना जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिवेट कर लेंगे। और ये सारी चीज़ें होंगी बिना किसी नेटवर्क के, यानी आपने नया फ़ोन लिया इसके अंदर जब ये सारी प्रोसेस करेंगे उसमें कोई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी सिम के अंदर ऐसी सुविधा है जो मोबाइल कंपनियों से जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, जब आप मोबाइल को ऑन करेंगे पहली बार तो उसके अंदर सेटअप में एक जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं जिस भी लोकेशन में, अगर इंडिया में फ़ोन है तो इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां ई सिम की सुविधा उपलब्ध कराती हैं उन सबका लोगो बना हुआ आ जाएगा। आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कौन सी कंपनी का आपने आईडी पासवर्ड और कौन सा प्लान ले रखा है। तो इस तरह से जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो वो क्यूआर जो कोड है उसको स्कैन करने के लिए बोलेगा। आपको जो क्यूआर कोड मिला है चाहे आपके, और क्यूआर कोड भी मैं आपको बताऊं कि फिजिकल नहीं मिलेगा, ये आपको ईमेल आईडी के अंदर मिलेगा, ईमेल आईडी के अंदर मिलेगा। चाहे आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसको तब स्कैन कराना है अपने उस मोबाइल डिवाइस से और आपका जो ये मोबाइल नंबर है, जो ये नेटवर्क है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप आसानी से वैसे ही सारा चीज़ कर पाएंगे जैसे फिजिकल सिम के साथ करते हैं। आप इसमें ड्यूल सिम भी चला सकते हैं। अब अगर दो, अगर आपको सिम चलानी है तो आपको दो आईडी लेनी पड़ेगी, मतलब दो प्लान लेने पड़ेंगे अलग अलग कंपनी के, चाहे एक ही कंपनी का दो प्लान लेने पड़ेंगे और जैसे आप यूज करते हैं स्विच करके वैसे ही आप यूज कर पाएंगे। लेकिन अभी जो इंडिया में एप्पल का जो फोन आया है उसमें ड्यूल सिम नहीं है ई सिम में, यानी ड्यूल सिम आप कर सकते हो लेकिन एक बार में एक ही सिम इस्तेमाल होगी। ड्यूल सिम की सुविधा है लेकिन एक बार में एक ही सिम से वर्किंग होगी, ठीक है। जब आपको दूसरी सिम इस्तेमाल करनी है तो वही सेटिंग में जाके, मोबाइल डाटा में जाके उसे चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ई सिम आपके काफ़ी फ्यूचर में काम आने वाली है और काफ़ी सारी डिवाइसेस काम आ जाएंगी। दोस्तों आपने सोचा कि आपको कैसे नहीं पता पड़ा, तो अभी क्या है कि जो मोबाइल नेटवर्क कंपनियां उन्होंने तो ये सर्विस स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं वो लोग इस तरह की सर्विस, इस तरह की मोबाइल फ़ोन लॉन्च नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर आपको इस तरह के मोबाइल फ़ोन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, तब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको ई सिम लेना पड़ेगा। और ई सिम लेना बहुत ही आसान है, आईडी पासवर्ड ये सारी चीज़ें से आपको सिम कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएगी और नेक्स्ट फ्यूचर ई सिम का ही होने वाला है और फोन भी उसी तरह के आएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, रेड कलर के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।